ईवीएम के पक्ष में अब विपक्ष भी आया। एनसीपी बोली ईवीएम से ही बीजेपी को हराया। 8 साल से कई राज्यों में बीजेपी को ईवीएम से ही हराया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं के बयान से कांग्रेस हैरान है। विपक्ष का पूरा मोर्चा ही हिला हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरने में लगी हुई थी, उन सभी मुद्दों की हवा पवार फैमिली ने निकाल दी है। कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उसे समझ ही में नहीं आ रहा है कि पवार को किस तरह से हैंडल किया जाए। पवार को दूर भी नहीं किया जा सकता और पवार जो कुछ बोल रहे हैं उसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में पवार कांग्रेस की मजबूरी है तो वे मजबूरी उद्धव ठाकरे की भी है, लेकिन पवार जो कह रहे हैं वो विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रहा है। विपक्ष तो पहले से ही हैरान था, लेकिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जो कहा उससे विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे की हवा निकल गई। अजीत पवार ने कहा कि ईवीएम को विपक्ष बेकार में मुद्दा बना रहा है। अजीत पवार ने कहा, ईवीएम पर पूरे देश को भरोसा है, हमें भी भरोसा है, विपक्षी तमाम पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा है, क्योंकि सरकार बैलेट पेपर पर लौट कर नहीं जाएगी, इसलिए ईवीएम को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकार ना होती। दिल्ली लगातार 5 चुनाव बीजेपी ईवीएम से ही हारी है। एनसीपी नेता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। कई बार कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम हार नहीं सकते, फिर वे ईवीएम को लेकर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये जनता का वास्तविक जनादेश है। अजीत पवार ने कहा था कि मैंने 6 से 7 चुनाव ऐसे लड़े हैं जिनमें ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ये मशीन सही मतदान को सुनिश्चित करती है और सही संख्या दर्शाती है। मैं एक बात जरूर मानता हूँ, ईवीएम पराजित उम्मीदवारों को हार का ठीकरा मशीन पर डालने का अवसर प्रदान करता है। वैसे मामला सिर्फ ईवीएम का नहीं है। इससे पहले शरद पवार ने कांग्रेस से सबसे बड़े दावे की हवा निकाल दी थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों की जेपीसी मांग को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। पवार ने कहा कि जेपीसी जांच में वही फैसला होगा जो मोदी चाहेंगे, क्योंकि जेपीसी में 21 सदस्य होंगे और इसमें से 15 के करीब सत्ता पक्ष के होंगे और कोई भी फैसला बहुमत से ही होता है, यानी बहुमत बीजेपी का होगा। ऐसे में जांच का परिणाम क्या होगा ये पहले से ही तय होगा, इसलिए जेपीसी से अच्छी जांच सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कर सकती है। पवार ने सिर्फ अडानी मामले में ही कांग्रेस को बैकफुट पर नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने सावरकर मामले में भी कांग्रेस के विरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर का पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए और उन पर अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो सही नहीं है। यानी कांग्रेस के जितने भी बड़े मुद्दे हैं उनकी हवा पवार ने निकाल दी है। दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के चीफ उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए तो अजीत पवार ने इसे भी खारिज कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि आप पीएम से उनकी डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन क्या 2014 और 2019 में देश की जनता ने वोट पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दिया था? मोदी जी को वोट मिला वो उनके व्यक्तित्व को मिला था। जिस तरह से शरद पवार और उनके भतीजे ने विपक्ष के सबसे बड़े आरोपों की हवा अपने बयानों से निकाल दी है, उससे सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को ही लगा है। अब कांग्रेस से पवार का निजी विचार बता रही है, लेकिन पवार के बयान से साफ हो गया है कि विपक्ष में अभी तक कई मामलों में एकजुटता का अभाव दिख रहा है।